नजरे क्यों झुका रखी है तुमने? नजरे वो झुकाते हैं जिनके दिल का चोर उन्हें नजरें उठाने की परमिशन नहीं देता। कोई गलत काम किया तुमने? नहीं ना? नजरें उठाओ। एग्जैक्टली, ताकि कोई भी सवाल तुम पे उठे तो तुम उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सको। डॉक्टर बनने जा रही हो और खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। काट लिया हाथ, इतनी भी क्या जल्दी थी? आओ बैठो। अरे इतना दर्द हो रहा है तो बोलना चाहिए ना। सॉरी, आराम से बैंडेज करता हूं। मैं खुद कर लूंगी। मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेता हूँ। मेरे दादू कहते हैं जिम्मेदारी उठाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे निभाना बड़ी बात है। तो इसीलिए मेरा फर्ज मुझे निभाने दो, वरना तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगा। लो आंसू पोंछ लो। मैंने बैंडेज कर दी है, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। और एक बात बताओ, इतनी सेंसिटिव हो, एक छोटे से कट में इतना रोने लगी? मेडिकल की पढ़ाई कैसे करोगी? डॉक्टर कैसे बनोगी? थैंक यू, मैं चलती हूँ। ये लो, ये किट है। इसमें ह्यूमन स्केलेटन और बाकी सारी चीजें हैं, जिससे तुम्हें ह्यूमन एनाटॉमी समझने में आसानी होगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज कर लोगी? मेडिकल एग्जाम रट के पास नहीं की जाती है, सब कुछ देख के समझना पड़ता है। इसे रखो, पढ़ने में हेल्प होगी। तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। जिद तुम कर रही हो। रखो इसे, पढ़ने में तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। ईश्वर मेरी सुहानी को तो ऐसे माहौल से दूर ही रखे। अच्छा ठीक है, संभालो। मैं हेल्प करूं? नहीं, मैं ले जाऊंगी। इसने पापा को सारे तमाशे के बारे में तो नहीं बता दिया? भगवान जी प्लीज बचा लो, प्लीज प्लीज। ये सब क्या है सुहानी? पापा मैं तो क्लास में जा रही थी पर वो स्ट्रेचर, वो बस स्ट्रेचर सामने से आया। स्ट्रेचर कहाँ से बीच में आ गया बेटा? मैं तो इसके लिए पूछ रहा हूँ। पापा इसमें प्रोजेक्ट का सामान है। अच्छा प्रोजेक्ट का सामान है ना, तो समेट लिया ना पूरा का पूरा? चल बेटा मुझे ऑफिस जाना, जल्दी संभाल लेगी ना? आजा। ओके बाय। गाइस आई थिंक रणवीर ब्रो और इस मिस फर्स्ट ईयर का कुछ सीन है। मतलब रणवीर भाई सिंगल नहीं रहे। कॉलेज की सारी लड़कियां सालों से ट्राई कर रही हैं और ये मैडम 2 दिन में ही लकी हो गई। आज कॉरिडोर में नई लव स्टोरी देखी भाई। हाँ यार आई थिंक रणवीर ब्रो को सुहानी से प्यार हो गया है। देखा नहीं कितनी सीरियसली उसकी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। करेक्ट, लव स्टोरीज ऐसी तो शुरू होती है। आज स्ट्रेचर पे, कल रूम में। अब अपने मुंह के साथ अपना दिमाग भी धो लेना, काफी गंदा हो रखा है। रणवीर इज अ थॉरो जेंटलमैन। वो लड़कियों को कभी ऐसी इंटेंशन से नहीं देखता। लड़कियां मरती हैं उस पर, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अंडरस्टूड? अगली बार अपनी गंदी जुबान से रणवीर का नाम मत लेना। रिया, रणवीर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। बट द फैक्ट इज, जिस तरह से कल रणवीर सुहानी को देख रहा था, उसे कोई बच्चा भी बता सकता है कि रणवीर सुहानी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है। एंड ट्रस्ट मी, लड़कों की नजर तुमसे बेटर समझता हूं। लेकिन रणवीर तुम जैसी नजर वाला नहीं है, इसलिए तुम उसके आगे स्टैंड भी नहीं करते। आई एम श्योर तुम लड़कों को जानते हो, पर मैं रणवीर को जानती हूँ। सुहानी उसके लिए सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरी ऑनेस्टी से निभाएगा, पर उसके बियॉन्ड वो अपनी लाइन क्रॉस करने की सोचेगा भी नहीं। अंडरस्टूड? गलत फहम। सुहानी माजी, माजी क्या हुआ? क्या हुआ माजी? घर में ऐसे भूत लटके रहेंगे तो फिर बंदे की चीख ही निकलेगी ना। शुक्र कर कि चीख निकली है, जान नहीं निकली। तेरा इरादा क्या है? डॉक्टर बनने से पहले तूने घर में मरीज तैयार करने? दादी ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए है। अच्छा ठीक है, तू अपने प्रोजेक्ट तैयार कर। मैं तो अपने फेवरेट हीरो का रुमाल पूछने आई थी। हाँ माँ जी, वो मैंने अपनी सहेली से बात की हुई है, वो भेज देगी जल्दी। ठीक है। अभी से ये हाल है, जो डॉक्टर बन गई तो पूरे घर में ना मुर्दे लटका देगी। हनी, तू ऐसी सब चीजें ना अपनी दादी से दूर ही रखा कर, और चल जरा किचन में मेरी हेल्प कर दे। गाइस आई थिंक रणवीर ब्रो और इस मिस फर्स्ट ईयर का कुछ सीन है। मतलब रणवीर भाई सिंगल नहीं रहे। कॉलेज की सारी लड़कियां सालों से ट्राई कर रही हैं और ये मैडम 2 दिन में ही लकी हो गई। फिर से हाथ काट लिया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यान रखा करो अपना। डॉक्टर बनना है तुम्हें। लाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम प्लीज जाओ ना यहाँ से। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। सुहानी किससे बातें कर रही हूँ? किससे देख रही हूँ? हे भगवान, तो ध्यान रखा करो सुहानी, डॉक्टर बनने वाली हो ना। वो भी यही कहता है। कौन? तू चल मैं इसे दवाई लगाती हूँ। आज आजा चल बैठ। अब बता किसकी बात कर रही थी तू? रणवीर माँ कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है, वो पूरा दिन आगे पीछे घूमता रहता है। तेरे पापा की जिम्मेदारी वाली बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले ली उसने? Cheers. Yes. बहुत सीरियस है ना वो अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर कि उसकी ये नई मिस जिम्मेदारी अपने आप से कैसे दूर करती। मुझे तो अभी से सोच सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस लड़की का हाथ पकड़ के उसने पब्लिकली अपनी नई जिम्मेदारी बनाया था, कल वही लड़की सबके सामने उसे थप्पड़ मारेगी और अपने आप से दूर करेगी। और अगर सुहानी ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया तो? हंड्रेड % करेगी। वो क्या है ना कि ये जो मिडिल क्लास लड़कियां रहती है ना, ये इनको अपनी डिग्री से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत की परवाह होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। माँ अब सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे पहले कि ये बात तेरे पापा तक पहुंचे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं उसको जाके बोल देती हूँ कि पापा ने ना मेरी जिम्मेदारी लेने से मना कर दी। तू पागल है, तेरे पापा के बॉस का बेटा है वो। अगर डायरेक्टली जाके उनसे बात कर ली तो मैं झगड़ा कर लेती हूँ, गुस्से में बात ही नहीं करेगा। सुहानी बेटा तू चीटिंग करके तो डॉक्टर नहीं बन रही ना? हाँ। और नहीं तो क्या, इतनी इंटेलिजेंट होके इतने घटिया आइडियाज दे रही है। तो फिर आप ही दे दो कोई इंटेलिजेंट वाला आइडिया। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आंखें चुराने से मुश्किलें दिखनी बंद हो जाती लेकिन खत्म नहीं होती, इसीलिए आंख मिलाकर उसका सलूशन ढूंढना चाहिए, समझी? आई थिंक मैं समझ रही हूँ माँ कि आप क्या बोल रही हो। कहा था ना, जिन आंखों में डॉक्टर बनने का सपना, उनमें डर और मोटे मोटे आंसू नहीं होने चाहिए। तुम्हारे आंसू मुझे हर्ट करते हैं और तुम्हारी आंखों में बड़े बड़े सपने अच्छे लगते हैं, आंसू नहीं। समझी में जिम्मेदारी। आई होप कि तुम्हारा दर्द कम हो गया होगा और तुम्हारे आंसू भी रुक गए होंगे। भाई, अभी जॉन से बात हुई मेरी। रणवीर आज कॉलेज लेट आने वाला है। परफेक्ट। फिर तो प्लान अभी शुरू करना होगा। सारी तैयारियां हो गई? भाई तुम लोग टेंशन मत लो, नीचे से मुझे कॉल करो। चल। आज ना 1-on-1 बात करूंगी रणवीर से, अच्छे से समझा दूंगी उसे। जैसे ही सामने दिखेगा ना थोड़ा चौड़ में बोलूंगी, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लिसन मिस्टर रणवीर ओबेरॉय, आपको इतना ही शौक है ना जिम्मेदारी उठाने का, तो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बहन, अपनी दोस्त की जिम्मेदारी उठाइए। मुझे माफ करिए, मैं अपने आप को खुद मैनेज कर लूंगी। वेरी नाइस सुहानी, बिल्कुल ऐसे ही बोलना। कीप इट अप। हाँ भाई, वो आ गई। ओके, निकलो। हाँ भाई, आ गई ना। Hey guys, guys, look at that! क्या है ये? ये सब क्या कर रहा है रणवीर? Oh God, I need to tell Riya about all this. I'm sorry. What sorry? देखकर नहीं चल सकती। सॉरी, आज ना कियारा का मूड खराब है और यू प्लीज रिलैक्स। हाँ, और रणवीर को ना प्लीज रणवीर को कुछ मत बताना, इससे पंगा ले रही है। वो रणवीर की बंदी है। मैं तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेज रहा हूँ, अपनी बदनामी करने के लिए नहीं। और जिस दिन भी मेरे कानों में तुम्हारी एक भी शिकायत पहुंची ना, वो दिन तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी दिन होगा।